फर्स्ट एंड लास्ट डे ऑफ ए सेंचुरी ईयर, कोई भी सेंचुरी ईयर का फर्स्ट और लास्ट डे कौन सा होगा, ए आप कैलकुलेट कर सकते हैं और यह एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। और उसका रीजन यही है कि यह कॉन्सेप्ट पे आधारित है, इसमें कैलकुलेशन में बहुत टाइम नहीं लगता है। अब देखिए, पहले हम लोग देख चुके हैं अपने पीछे के वीडियोज में कि 100 इयर्स में ऑड डेज 5 होते हैं, 200 में 3, क्योंकि 5 में 2 से मल्टीप्लाई करिएगा, 7 माइनस करिएगा तो 3 आएगा, 300 में 5 3 जब 15 हो जाएगा, 7 से डिवाइड करिएगा तो 400 में 5 4 जा 20, और चूंकि यह लीप ईयर भी है तो 1 ऐड कर दीजिएगा और 21 में 7 से डिवाइड करिएगा तो यह 0 हो गया। तो यह होता है ऑड डेज, 100 ईयर में 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1 जनवरी 1 एडी ये मंडे था, तो अब जैसे 1 जनवरी 01 से हमको लेना है 31 दिसंबर 100, तो देखिए ये पूरा 5 ऑड डे जाता है। लेकिन अगर ये 1 जनवरी को हम यहां से शुरू करेंगे, हम ये देखना चाहते हैं कि अगर यह मंडे था तो यह क्या दिन है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। तो इसको जब छोड़ देंगे तो 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 4 डे हो जाएगा। तो कौन सा डे हमारा होगा यहाँ पे 31 दिसंबर 100 को, इसीलिए देखिए यहाँ हमने 31 दिसंबर एक्स लिखा है, एक्स ईयर्स है कि 100 को एक्स रखिए, 200 300 400 ऐसे, तो यह कितना हो जाएगा 31 दिसंबर 100 मंडे प्लस 4, मंडे प्लस 4 फ्राइडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। उसी तरह यहाँ देखिए 200 प्लस 3 तो ये हो जाएगा मंडे प्लस 2, एक जैसे वहां माइनस किए थे यहाँ भी माइनस होगा तो ये हो गया वेडनेसडे। उसी तरह मंडे प्लस 1 माइनस 1 0 तो मंडे, तो ये हो गया। और मंडे माइनस 1 क्योंकि यहाँ 0 आ रहा है तो उसमें माइनस 1 करिएगा तो ये हो गया संडे, मंडे से पहले संडे, तो ये हो गया। अब ये तो हो गया कोई भी सेंचुरी ईयर का लास्ट डे, क्योंकि इसके बाद क्या होगा, फिर से फ्राइडे आ जाएगा, यही रिपीट चलेगा, फ्राइडे वेडनेसडे मंडे संडे, फिर इसके नीचे आप देखेंगे तो फिर फ्राइडे आएगा, फिर वेडनेसडे आएगा, फिर मंडे आएगा, फिर संडे आएगा। तो इस तरह से जो बाकी दिन हैं, जैसे फ्राइडे के बाद सैटरडे वो कभी भी नहीं आएगा, वेडनेसडे के बाद थर्सडे कभी भी नहीं आएगा, मंडे के बाद ट्यूजडे वो कभी भी नहीं आएगा। तो ये हमें पता हो गया मंथ का, सेंचुरी ईयर्स के लास्ट डे का। अब फर्स्ट डे देखिए, अब जानते हैं कि अगर नॉर्मल ईयर होता है तो फर्स्ट डे और लास्ट डे सेम होता है, तो अगर ये लास्ट डे फ्राइडे है तो फर्स्ट डे भी फ्राइडे होगा, वेडनेसडे है तो वेडनेसडे होगा, मंडे है तो मंडे होगा। और लीप ईयर्स में, अगर लीप ईयर में क्या होता है, हम लोग देखे थे जैसे यहां माने थे 0 तो इधर आया था 364 डेज और इधर आया था 365, तो यह नॉर्मल ईयर का एंड होता है क्योंकि एक हमने माइनस कर दिया है 365 में, और यह लीप ईयर का एंड होता है। तो अगर यह मंडे है मान लीजिए तो यह मंडे होता है और यह ट्यूजडे होता है। तो अगर लीप ईयर का एंड ट्यूजडे है तो स्टार्ट क्या से हुआ था, मंडे से, तो स्टार्ट एक दिन पीछे से होता है। तो यहाँ संडे दिया हुआ है, लास्ट डे हमने कैलकुलेट किया है, तो जो स्टार्टिंग डे था वह सैटरडे था। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि इसका जो फर्स्ट डे ऑफ ए सेंचुरी ईयर है वो क्या क्या हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, सैटरडे हो सकता है। तो इस केस में
जैसे ट्यूसडे नहीं हो सकता है, थर्सडे नहीं हो सकता है, और वेडनेसडे भी, वेडनेसडे है, सैटरडे है, संडे भी नहीं हो सकता, ये तीन चीज नहीं हो सकता। तो क्या हो सकता है वो यहां लिखा हुआ है, और क्या नहीं हो सकता है देखिए यहां, तो इसमें से ये देखिए फर्स्ट डे है, तो फर्स्ट डे में देखिए क्या क्या नहीं हो सकता, कहीं से भी आप देखिए, फ्राइडे है, सैटरडे भी है, संडे नहीं है, तो संडे नहीं हो सकता, हमने यहां लिख दिया। उसके बाद वहां पे देखिए मंडे है, ट्यूसडे नहीं है, तो हमने लिख दिया ट्यूसडे नहीं हो सकता, वेडनेसडे है, थर्सडे नहीं है, तो हमने लिख दिया थर्सडे नहीं हो सकता। तो तीन दिन नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ चार दिन है, चार दिन हो सकते हैं। अब लास्ट डे क्या नहीं हो सकता, देखिए यहाँ फ्राइडे है, सैटरडे नहीं है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया सैटरडे नहीं हो सकता, संडे वहाँ है, मंडे भी है, ट्यूसडे नहीं है, तो हमने लिख दिया ट्यूसडे नहीं हो सकता, और वेडनेसडे है, थर्सडे नहीं है, तो थर्सडे नहीं हो सकता। तो ट्यूसडे और थर्सडे देखिए ये दोनों में कॉमन है, ट्यूसडे और थर्सडे न फर्स्ट डे हो सकता है न लास्ट डे हो सकता है। और एक दिन आप जानते हैं कि जब लीप ईयर वाला, लीप ईयर का सेंचुरी ईयर होता है, तो इसका फर्स्ट डे जो होता है सैटरडे होता है और लास्ट डे संडे होता है, तो इसमें फर्स्ट डे में संडे नहीं हो सकता और लास्ट डे में सैटरडे नहीं हो सकता। तो इस तरह से फर्स्ट एंड लास्ट डे ऑफ ए सेंचुरी ईयर क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है वो आप आसानी से, कोई भी अगर ऑप्शंस दिए हुए हैं या निकालने हैं तो आप आसानी से निकाल लेंगे, ये इसके कॉन्सेप्ट हैं। और इसके बेसिस पे जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे आप कर पाएंगे। थैंक्स, गुड लक।